गाइस घर आ चुका हूँ और मेरा ये मम्मा का गिफ्ट है और ये ना मैं अभी नहीं दूंगा बिकॉज अभी मम्मा अपने रूम में और बहुत प्यारा। देखो गाइस मेरा है हाथ का मटन एंड मम्मा कैसा लग रहा है आपका बेटे ने बनाया, टेस्ट करके बताओ पहले। कालो किस मारे लीमाई बांधे माए नोएडा और मम्मा एज यूजुअल अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही है। मम्मा पता नहीं इतना बिजी है मम्मा, हम क्यों आए नोएडा बता दो। गाइस मैं आया हूँ अपने एकेडमी के कुछ काम से, कुछ सामान मुझे पिक करना है तो पिक करके लेके जाना है, तो अभी सेंटर नोएडा में आए। और मम्मा इस बार कुछ नहीं दे रहा मदर्स डे में, कुछ नहीं दिया, आप क्या कर रहे हो नहीं। अभी कुछ टाइम बाद आपके घर में नाता हो नाती हो आएगा तो फिर आपको गिफ्ट है, गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है ना। और गाइस आज हम आ रहे थे मम्मा और मैं, तो एक बाइक में कम से कम 3 बच्चे बैठे होते हैं और मम्मा कह रही थी कैसे 3 बच्चों को बाइक में, छोटे छोटे बच्चे मतलब बहुत ही बड़ी बात है ना मामा बाइक में रिक्स होते हैं, बड़ी बात नहीं है, हम भी चले बाइक में। और ये देखो गाइस 4-4 हो रहे, मतलब आज मैंने जरा वीडियो शूट नहीं किया। आज आपका बेटा आपके लिए खाना बनाएगा, आज डंके की चोट वगैरह। आज मैं बनाऊंगा मम्मा के लिए मटन, इसके बाद मटन लेने चलेंगे, ठीक है मां? ठीक है, आज मम्मा को मैं गाइस डिनर बना के मैं खिलाऊंगा पूरी फैमिली को, तो देखते हैं कैसा बनता है। अभी फिलहाल यहां से ये काम करके मटन लेने जाएंगे मां और बेटे। आ गए, स्केटिंग चल रही है यहां पे और ये जो स्केटिंग करा रहे हैं ये हमें जानते हैं और ये हमारे आजाद सर है, आजाद स्केटिंग अकेडमी चलते हैं यहाँ पे, तो मैं वही स्केटिंग यहाँ बैठ के थोड़ी देर देख रहा था, थोड़ा सा ना अच्छा सा लगता है। देखो यहाँ, देखो यहाँ पे इस बड़े बच्चों को सिखा रहे और यहाँ पे छोटे बच्चों की क्लास चल रही है। सो गाइस घर आ चुका हूँ और मेरा ये मम्मा का गिफ्ट है और ये ना मैं अभी नहीं दूंगा बिकॉज अभी मम्मा अपने रूम में और बहुत प्यारा चीज़ अभी नहीं दिखाएंगे। अभी फिलहाल तो मम्मा को सबसे पहले आज मम्मा को डिनर बना के खिलाना है, तो ये अभी बाद में इसको इसके अंदर क्या हो सकता है वो आप लोगों को पता चलेगा, रात को अभी नहीं देंगे। चाय पीते हुए और ये धूप का मजा लेते हुए देखो, बस ये जो सुकून है ना, बस यही चाहिए लाइफ में, ये सुकून मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। प्याज तो काट दिया मैंने, 2-4 प्याज है क्योंकि मैंने मम्मा की वीडियो में देखा, मम्मा हमेशा बोलते चार प्याज। तो अब इसको डस्टबिन में डालेंगे और आंसू निकलने लग गया इतनी बुरी तरह, मतलब क्या बताऊँ आपको। बहुत आता है ऐसे ऐसे, काट तो दिया सारा प्याज और ये चीज़ निकालना होता है प्याज का ना, ये आज मैंने सीखा कि मम्मा ने मुझे एक बार बताया, ये चीज़ निकालना होता है जो ना, बाकी प्याज कट चुका है पूरा। मटन ये रहा हमारा और ये रहा टमाटर भी मैंने काट के रख दिया इसके अंदर। मुझे प्याज कटने में 10-15 मिनट लग गए, आंसू निकल गए थे, ऐसे धोना है भाई, जुकाम हो गया एकदम मम्मा, तो ये धोना है गाइस इसको अच्छी तरह। मटन और चिकन को साफ बहुत सही तरह करना पड़ता है। मैं चला रहा हूँ कुकर और हम जो ऑयल यूज करेंगे ये मम्मा से ही सीखा मैंने, जो एक कटोरा इतना सरसों का तेल। तो अभी सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें इसे बंदूक को चलाना है, थोड़े से गर्म होने देंगे बढ़िया तरीके से, उसके बाद इतना सारा जो प्याज है, देखो मैंने देखा सबसे ज्यादा मटन में प्याज यूज होते हैं गाइस, एक प्याज डाल के देख चेहरे कर रहे करें क्या बात है मम्मा, कितना अच्छा सा लगता है कुकिंग करते हुए। लो डाल फिर अब आज मम्मा सच बता रहे ऐसा बनाऊंगा ना यार, मटन में कितना प्याज यूज होता है गाइस, और मैं मम्मा के साथ जाता हूँ ना तो सोचता हूँ मम्मा इतना प्याज क्यों लेती है, पता चला एक मटन में 1 किलो मटन है ना भाई, 1 किलो मटन में कम से कम 4 प्याज यूज हो रहे हैं, सोचो वो भी इतने बड़े बड़े। अब टमाटर पीसने का टाइम आ चुका है और इसको ना आपको चेक करने के से घुमाना पड़ेगा, बाकी ये लगा हुआ है और ये मैंने प्याज इसके अंदर डाल दिया और अब इसको कम से कम जब तक ये ब्राउन नहीं होता तब तक इसको सही तरह पकाना है। तो गाइस आप देख रहे हो लाल हो चुका है, दिस इज अदरक और लहसुन का पेस्ट,
ये डालना है एक और आधा, मतलब थोड़ा सा आधा, आधा और आधा, थोड़ा सा इतना, ठीक है। तो मम्मा भी साथ में की, मैं गलती ना करो गाइस, क्योंकि ना क्या ना फर्स्ट टाइम बना रहा, तो मम्मा का साथ में होना भी बहुत जरूरी है। चम्मच आप यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं मम्मा, बिल्कुल नहीं, एकदम परफेक्ट होके सिखाना है लोगों को। धोना तो पड़ेगा ना, एक चम्मच से क्या हो जाएगा, दो दो, हाँ दो चम्मच। वन, दिस इज मैजिक चटनी जो आप लोगों को, ये रहा, ज्यादा डाल जाएगा इसमें। अब डालेंगे हल्दी, ये हमें डालना है दो चम्मच। ओए नहीं, कितना, एक चम्मच। तो गाइस अब डालेंगे हल्दी, इतना बड़ा चम्मच है, छोटा थोड़ा सा डाल, बस डाल डाल, धीरे धीरे डाल, देखती हूँ मैं, बस बस बस। तो गाइस हल्दी, हल्दी क्यों कम डालना होता है ना, बहुत लगता है ना। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहता है, क्योंकि इसी से टेस्ट का पता चलता है। तो छोटा दो डालो या डेढ़ डालो? डेढ़ डाल, डेढ़, इतना और आधा, आधा दिखा डालियो, इतना बस, इतना कम नहीं होगा? अभी टेस्ट करते हैं ना, चाखते हैं ना बाद में। अच्छा। अब इलायची से और अब मटन डाल दे उठा के। ओके। अब डालना मटन गाइस, मटन ये रहा। ले आ इधर। कुछ साफ किया अच्छी तरह। डाल दे। सच में गाइस कहाँ रखो, सही नहीं आ रखा। डाल उठा कर। अब उम्मा दही से तीन डाल दे। रुको, अच्छे से मिक्स करना, अच्छे से मिक्स कर रहा गाइस। हाँ। अच्छे से मिक्स कर रहे से, क्योंकि मिक्स जब तक ये मसाले इसमें चढ़ेंगे नहीं ना सही तरह, पकेगा नहीं और टेस्ट नहीं आएगा। और क्या मम्मा, याद है बचपन में मैंने कितना बनाया? चलो गाइस अब इसमें डालना है दही, दही ये पूरा डालना है। वही डॉर खींच, मैं तो और मसाला बताऊंगी। तो गाइस मसाला मुझे बिल्कुल आईडिया नहीं था, पर गरम मसाला ए बिस्तरी करे मसाला, दिस इज, नहीं नहीं ये, हाँ हाँ एकदम सही निकाला, एकदम सही। ये डालना है एक चम्मच या डेढ़ चम्मच? ये डाल दे, दिखा चम्मच कितना बड़ा है, छोटा चम्मच है ना, डाल दो तीन चम्मच, एक दो, इस पे जीरा है सब है ना। अच्छा डाल दो, डाल दे बस बस। सच में मैं तो बनाना सीख गया ना, तो मैं ही बनाऊंगा, बता एक वीक में एक दिन याद रहेगा, याद रहेगा सच में, रहने दे ना दही वाला कटोरी। हाँ। ना हिलाऊ नहीं, पानी हालेर चाहिए, डाल दे बस। भाई ने बनाया मटन, अगर मटन टेस्टी होगा ना, ढक्कन नहीं, मैं सब चीज मैं करूँगा आज, मैं मम्मा आज रेस्ट करो, आज रेस्ट करो। तो ये ऐसे है, ऐसे बंद होता है, हो गया और गाइस इसको कम से कम भी ये मान लो 10 से 15 मिनट तो रखना ही पड़ेगा पकाने के लिए। नहीं देखते, एक सीटी लगा के थोड़ी देर रखते हैं। तो गाइस इसमें पता नहीं मम्मा अपने लिए कुछ और बना रही है, और मम्मा ने मेरे को बताया कि क्या होता है ना भाई, मटन बना रहे, मटन इतना महंगा है, कहीं गलती से गलत बलत बन गया तो पता कितना, कितने रुपए किलो मटन है मम्मा? 700 रुपए किलो है हमारे नोएडा में मटन, नोएडा से। तो आपके यहाँ पे कितने रुपए किलो मटन है, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और हमारे उधर के गाँव की साइड में तो और ज्यादा महंगा है। तो ये मम्मा अपना आइटम बना रही है, ये मेरा है, अब ये जब पक के रेडी हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो गाइस मेरा है हाथ का मटन, एंड मम्मा कैसा लग रहा है आपका बेटे ने बनाया, टेस्ट करके बताओ पहले, पता चलेगा। अच्छा वो उसमें बैठ के बताओगे? तो धनिया डाल रही है, अब धनिया जरूर डालना होता है गाइस, एकदम सही बना। आपने टेस्ट करा, नमक टेस्ट करा? नहीं बता सकता। अच्छा नमक टेस्ट नहीं करा, तो तो गाइस अगर ये मटन रियल में अगर ये अच्छा बनेगा ना, तो मैं एक और बार विदाउट मम्मा की हेल्प लिए एक दिन मम्मा को सरप्राइज दूंगा, टेस्ट करके तो बता दो। ऐसा है ना, नमक कम भी हो गया कोई दिक्कत नहीं होता। ये देखो गाइस, ओ भाई रौनक राइस, देख कितना अच्छा होटल के जैसे नहीं, मैंने देख देख तो देख ना, बिल्कुल बढ़िया बनाया आपके बेटे। देख हम नमक टेस्ट करें। चलो नमक टेस्ट कर लो, बाकी तो रिव्यू देना टेबल पे। अब मम्मा के लिए खाना डाल दिया मैंने, मम्मा को मिर्च बहुत पसंद है, तो अभी मम्मा को देते हैं, और मेरी माँ बैठी है उधर, पहले ये देते। लो अम्मा आपके बेटे के हाथ का चावल, अभी आ तो अच्छा ला, धोक दियो। अच्छा दिख रहा है। चावल तो मैंने नहीं बनाया अम्मा, पहले मुझे कसर ही राम रो तो मम्मा, बॉयज थोड़े बहुत क्लमजी होते। सच में अच्छा मम्मा, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूं, बढ़िया सच में अच्छा है। अच्छा मासू तो एक बार मासू खाऊं,
मासू से थोड़ा और आइडिया मिलेगा ना। और मासू में बताओ सही है बिल्कुल, नमक बिल्कुल मसाला सही मिक्स हुआ है, मतलब पास हो गया आपका बेटा। तो ये है गिफ्ट का इस मम्मा के लिए, और आप ये पैकेट देख के पता लगा ही सकते हो कौन से उसका है। अम्मा एक गिफ्ट है आपके लिए। मेरे? हाँ। गिफ्ट तो जितना दे दो दे लो, काम ही होती है। दिस इज फॉर यू अम्मा, इसे अनबॉक्सिंग करो। ये आपके लिए जो आपने गले में लगा रखा ना इसी टाइप का है, और सोने का है, सोने का। और क्या, आपके बेटे ने इतना प्यारा दे रखा है। क्या बात करता रे, कहाँ है? अरे उल्टा खोलोगे यार, प्रैंक है मामा, नहीं है कुछ भी नहीं। ये रहा यार मेरी माँ, इतना प्यार। ये देखो गाइस, नाइस। पहना दूं मैं? मैं खुद नहीं, मैं पहनाना चाहता हूँ ना, प्लीज ना मम्मी, प्लीज ना। बड़ा अच्छा है ये, बहुत सुंदर है, देखना ये देखो। आई, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। एक बार निकालो, मैं पहनाता हूँ। ये रही, ये अच्छा है। हाँ ये देखो ना गाइस, स्टार। तूने कैसे लिया ये? देखो डब्बा देख के कमेंट कर देना गाइस कहाँ से। ये है आपका कैरेट लीन से लिया मैंने, और ये मैंने ले रखा था पहले आपके लिए। अच्छा, और दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कैसे खोलते ये? मेरे को भी नहीं दिख रहा, देखो मैं खोलूं। तो गाइस कमेंट कर देना कैसा लगा आप लोगों को। और तो आज के वीडियो को, ब्लॉग को यही एंड करते हैं, कुछ नया करने का ट्राई किया। और गाइस इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देना, सपोर्ट करना, और साथ साथ में एक अच्छी मेमोरी बन रही है। और मेरी ज़िंदगी में अगर कोई लाइफ पार्टनर हो तो मेरी माँ जैसी, जो कभी ना बदले, लोग बहुत जल्दी बदलते हैं। तो आज के वीडियो को, ब्लॉग को यही करते हो, कितनी सुंदर लग रही हो। सो लव यू गाइस, गुड नाइट, कल मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।